दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। आतंकियों का पाकिस्तान की मदद के लिए कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा और इमरान खान काफ़ी ज़्यादा बेबस भी नज़र आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग दिख रहे हैं राउंड बोलने हो। जी हाँ, बता दें कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और बात कर ली जाए तो इस बात का खुलासा खुद पाक के PM इमरान खान ने किया है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने अभी तक किसी भी देश की ओर से सिंगल डॉलर की भी मदद नहीं मिली है। वहीं न्यूज एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कहा, महामारी के बाद की स्थिति पूरी दुनिया और पाकिस्तान के लिए बड़ी परीक्षा होगी। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप और अमेरिका से बिल्कुल अलग स्थिति है पाकिस्तान की। इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्थिक हालात को लेकर कहा कि लॉकडाउन का गहरा असर पड़ा है। इमरान खान ने कहा कि मैं लॉकडाउन को लागू नहीं करना चाहता था क्योंकि यह मजदूरों और रोज कमाने वालों को दुखों को बढ़ाने वाला है, जबकि इनमें से 75% रजिस्टर्ड भी नहीं है। इमरान खान ने देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि महामारी के चलते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है, जबकि किसी भी देश या वैश्विक संगठन की ओर से एक भी डॉलर की मदद नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने यह जरूरी कहा कि IMF ने लोन रीपेमेंट में राहत दी है। वहीं विरोधियों का निशाना साधते हुए इमरान खान ने कहा कि कई लोग सोशल मीडिया पर झूठ प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसे बनाए हैं उन्हें मीडिया का डर है कहीं उनका भंडार न फूट जाए। PM इमरान खान ने कहा कि सरकार इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और ISI एजेंसी की मदद से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करेगी, जिससे देश में इन दिनों जो महामारी फैली हुई है उसको लेकर हॉटस्पॉट्स की पहचान में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में इन दिनों जो संक्रमितों की संख्या है वो 13,000 के पार चली गई है और इससे मरने वालों की संख्या तकरीबन 281 है। तो दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तान की जो हालत है काफ़ी बुरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बाहरी मुल्कों से जो कि उनके पड़ोसी देश हो, जो कि मदद के लिए उनके बड़े दोस्त बनते थे, वो उन्होंने मदद से साफ इनकार कर दिया है। मदद के लिए एक डॉलर की भी मदद नहीं की है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन हालात को लेकर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।